नमस्कार, मैं हूं शिवांगी ठाकुर और युद्ध पर आधारित हमारा ये खास कार्यक्रम महायुद्ध आप सीधे देख रहे हैं यूक्रेन की युद्ध भूमि से। 24 फरवरी वो दिन जब रूस और यूक्रेन के युद्ध को एक साल हो जाएगा। ऐसे में रूस की ओर से अब यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए गए हैं और कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल अटैक लगातार किए जा रहे हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी तो ये तक कहती है कि अगले 10 दिनों में यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है और रूस ने हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जहाँ एक तरफ रूस की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी अपनी तैयारी कर रहा है और यही कारण है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार नेटो कंट्रीज से मदद मांग रहे हैं, टैंक मांग रहे हैं, फाइटर जेट्स मांग रहे हैं। और एक तरफ हमने देखा कि कैसे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो यूक्रेन की मदद भी कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में युद्ध भूमि में नेटो कंट्रीज के हथियार, उनके वेपन और इसी के साथ साथ रूस के हथियार, इन दोनों के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। क्या यूक्रेन की सेना को दुनिया की सबसे घातक एंटी शिप मिसाइल मिलने वाली है? इसका निशाना कौन हो? दुनिया की दो महाशक्तियां क्या लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को देने का फैसला कर चुकी हैं? परेशानी में कौन पड़ेगा? जेलेंस्की ने यूरोप जाकर जो फाइटर प्लेन्स मांगे हैं, क्या कीव को उनकी डिलीवरी युद्ध का रुख बदल कर रख देगी? क्या चैलेंजर, लेपर्ड और अब्राम जैसे टैंक यूक्रेन पहुंचते ही यूक्रेन का दुश्मन नंबर एक ढेर हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, एक साल से रूस से युद्ध लड़ रहे वोलोदिमिर जेलेंस्की को ऐसा क्या मालूम चल गया कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर लंदन, पेरिस और ब्रसेल्स तक घूम रहे हैं और यूरोपीय देशों से लॉन्ग रेंज के हथियार और फाइटर प्लेन्स मांग रहे हैं? सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब जानिए। यूक्रेन वॉर को एक साल पूरे होने वाले हैं और डोनबास रीजन के पास रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। रूस के T-90 जैसे घातक 1800 टैंक भी एक आदेश मिलते ही यूक्रेन की सेना पर गोले बरसाना शुरू कर देंगे। लगभग 4000 बख्तरबंद सैन्य वाहनों से रूस की सेना 24 फरवरी से पहले यूक्रेन पर बड़ा धावा बोलेगी। रूस के सुखोई 34 और सुखोई 35 जैसे 400 से ज्यादा फाइटर जेट्स आसमान से यूक्रेन पर तबाही बरसाने के लिए बेताब है। पुतिन का आदेश मिलते ही रूस के 810 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर
यूक्रेन पर तबाही का तूफान लाएंगे। इसके अलावा 300 हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन की सेना पर बारूद की बारिश कर देंगे। यूक्रेन बार बार आशंका जाहिर कर रहा है कि यूक्रेन में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन के एक साल पूरा होने यानी 24 फरवरी से पहले रूस यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। और अब यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने उन हथियारों की लिस्ट भी जारी कर दी है जो यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस ने तैयार कर लिए। पश्चिमी देशों की मीडिया में खबर चल रही है कि 10 दिनों के अंदर रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर देगा। माना जा रहा है इसी वजह से ज़ेलेंस्की अपने यूरोपीय सहयोगियों से मिलकर लॉन्ग रेंज के हथियार मांग रहे हैं जिससे रूस का मुकाबला किया जा सके। यूक्रेनियन European way of life намагаються знищити тотальною війною. Але для чого? Щоб після українського європейського способу життя знищити європейський шлях як такий. लेकिन क्या रूस का ये संभावित हमला झेलने के लिए यूक्रेन तैयार है? क्या जो हथियार ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से मांगे हैं वो उनको मिलने वाले हैं? यूरोप अगर यूक्रेन के लिए अपना शस्त्रागार खोलने का मन बना चुका है तो ये हथियार यूक्रेन के पास कब तक पहुंचेंगे? रूस के हमले के डर के बीच ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के नेताओं से इस पर चर्चा की और ब्रिटेन की तरफ से जो खबर मिल रही है वो यूक्रेन के लिए राहत भरी। ब्रिटेन यूक्रेन को हार्पून मिसाइलें देने की तैयारी कर रहा है। हार्पून दुनिया की सबसे सफल एंटी शिप मिसाइल है जो रडार और एंटी मिसाइल तकनीक की पकड़ से बाहर है। ये समुद्र के ठीक ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, जमीन हवा और पानी से दागी जा सकती हैं। इन्हें फाइटर जेट, युद्धपोत और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये एंटी शिप मिसाइलें रूसी युद्धपोतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर ये मिसाइलें यूक्रेन को मिल जाती हैं तो वो क्रीमिया और काला सागर तक निशाना साध सकेगा। यूक्रेन में मिसाइलें बरसाने वाले ज्यादातर युद्धपोत काला सागर में मौजूद हैं। इसके अलावा क्रीमिया से भी मिसाइलें उड़कर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाती हैं। और ब्रिटेन से मिलने वाली हार्पून मिसाइलें यूक्रेन पर बड़ा हमला करते आए काला सागर में मौजूद रूसी युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के यूरोप दौरे पर सुनक और मैक्रों से उनके स्टॉर्म शैडो और क्रूज मिसाइल देने पर भी चर्चा हुई, यानी आसमान से जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने वाला शक्तिशाली हथियार भी यूक्रेन को देने पर विचार शुरू हो गया जो रूस के खेमे में तहलका मचा सकता है। इस मिसाइल को फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर डेवलप किया है। ब्रिटेन में इसे स्टॉर्म शैडो के नाम से जानते हैं, वहीं फ्रांस में इस मिसाइल को स्कैल्प कहते हैं। आसमान से जमीन पर यह मिसाइल सटीक निशाना लगाती है। ये 500 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है और 450 किलोग्राम विस्फोटक से लैस है। इसे रफाल, मिराज, टॉर्नेडो और टाइफून जैसे फाइटर प्लेन से लॉन्च किया जा सकता है। स्टॉर्म शैडो और हार्पून जैसी मिसाइलों की ताकत से लैस होने के बाद यूक्रेन रूस को बड़े झटके दे सकता है। यदि ब्रिटेन दोबारा जो है हार्पून मिसाइल यूक्रेन को देता है तो यूक्रेन ने जिस तरह से मोस्कवा को अपना टारगेट बनाया था उसी प्रकार से वह वापस जो है रूसी नौसेना को टारगेट कर सकता है। हार्पून दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह युद्धपोतों का काल मानी जाती है। इसकी मारक क्षमता 280 किलोमीटर है। निश्चित रूप से इसको पाने के बाद यूक्रेन जो है रूसी नौसेना पर आक्रमण करने की स्थिति में आ जाएगा। इससे पहले सुनक यूक्रेन को चैलेंजर टैंक्स और अपाचे हेलीकॉप्टर देने का ऐलान कर चुके हैं और अब ऋषि सुनक ने इस बात का आश्वासन भी दे दिया है कि ये सब कुछ यूक्रेन को बहुत जल्दी मिल जाएगा। We both know the people of Ukraine's incredible strength and inspiring bravery will ultimately defeat tyranny. That is why we are training and arming them with the equipment they need to push back Russian forces. And as I said to you earlier today, we are also accelerating the delivery of our equipment, the equipment of our allies, to ensure that it reaches your front line in coming days and weeks, not months or years.
इधर अमेरिका से यूक्रेन को जो ब्रैडले लड़ाकू वाहन मिलने हैं उनकी रफ्तार भी देख लीजिए। ब्रैडले अमेरिका से निकलकर जर्मनी तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द ये यूक्रेन को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। और रूस के संभावित हमलों से पहले यूक्रेन के सैनिक इन वाहनों में बैठकर सुरक्षित और रूस के टैंक इनके सामने पड़कर असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। यानी एक तरफ रूस के महाटैंक की तैयारी है और दूसरी तरफ यूक्रेन को नेटो भी इससे निपटने के लिए घातक हथियारों से लैस कर रहा है। रूस के शक्तिशाली T-90 टैंक के खिलाफ यूक्रेन को नेटो से चैलेंजर, लेपर्ड और अब्राम्स जैसे शक्तिशाली टैंक मिल रहे हैं। रूसी युद्धपोत पर निशाना साधने के लिए यूक्रेन को हार्पून मिसाइल मिल सकती है। रूस के स्मर्स रॉकेट के मुकाबले हिमर्स अमेरिका यूक्रेन को पहले ही दे चुका है। घातक रूसी मिसाइलों को गिराने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी तैयार हो रहा है, लेकिन रूस की एयर पावर का जवाब यूक्रेन के पास नहीं है। रूस के सुखोई फाइटर जेट के मुकाबले यूक्रेन के पास अभी कुछ नहीं है। अब सवाल उठता है, जो हथियार आजकल ज़ेलेंस्की की विश लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसकी डिमांड उन्होंने लंदन में भी की, पेरिस में भी की, ब्रसेल्स में भी की, वो यूक्रेन को कब मिलेंगे? यूक्रेन वॉर के बीच वर्ल्ड टूर पर निकले वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने पेरिस पहुंचकर जो कुछ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मांगा, पहले आप उसके बारे में जानिए। फ्रांस पहुंचकर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की ये सबसे बड़ी डिमांड क्या थी? Я радий дійсно бути сьогодні тут, щоб посилити нашу континентальну єдність. І, звичайно, щоб особисто подякувати. Це завжди важливо у звичайному житті – вміти бути вдячним. चलिए अब हम आपको बताते हैं, अगर मैक्रो ने ज़ेलेंस्की की विश पूरी कर दी तो वॉर जोन में क्या क्या हो सकता है, सोच कर देखिए। वॉर जोन में रूस के घातक सुखोई 35 फाइटर जेट यूक्रेन के ठिकानों पर बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं और अचानक उनका रास्ता रोकने रफाल आ जाए। दुनिया के दो सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में शुमार रफाल और सुखोई के बीच डॉग फाइट शुरू हो जाए, इसका नतीजा देखना दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तानियों के लिए भी बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन क्या यूक्रेन वॉर जोन में ऐसा होने वाला है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखिए फाइटर प्लेन हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की कितने उतावले हैं। पेरिस से पहले लंदन में भी उनकी सबसे बड़ी डिमांड कुछ और नहीं, फाइटर प्लेन की। ब्रिटेन के संसद में अपने संबोधन के दौरान ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के फाइटर प्लेन के पायलट का हेलमेट देखकर ब्रिटेन से फाइटर प्लेन मांगा। I will explain. It's the helmet of a real Ukrainian pilot. He is one of our most successful aces, and he's one of our kings. And the writing on the helmet reads, "We have freedom. Give us wings to protect it." अब ज़ेलेंस्की को फाइटर प्लेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में सुनक ने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कुछ बताया वो रूस की टेंशन बढ़ा सकता है। So when it comes to fighter combat aircraft, of course they are part of the conversation. Indeed, we've been discussing that today and have been previously, and that's why we've announced today that we will be training Ukrainian Air Force on NATO standard platforms, because the first step in being able to provide advanced aircraft is to have soldiers or aviators that are capable of using them. तो क्या ब्रिटेन भी यूक्रेन को फाइटर प्लेन से लैस कर सकता है? खबर है कि ब्रिटेन ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि यूक्रेन को वो किस फाइटर प्लेन से लैस कर सकता है। ब्रिटेन के पास अमेरिका से मिला F-35 जैसा घातक फाइटर प्लेन मौजूद है, जिसकी स्टेल क्षमता उसे दुनिया का सबसे घातक एयरप्लेन बनाती है। ब्रिटेन के पास यूरोप का यूरो फाइटर टाइफून भी है। इसके अलावा ब्रिटेन में ही तैयार टॉर्नेडो GR-4 भी यूक्रेन को सौंपे जा सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या तमाम दूसरे हथियारों की तरह यूक्रेन को जल्द ही फाइटर प्लेन भी मिलने वाले हैं। लेकिन पहले समझिए ऐसे घातक फाइटर प्लेन यूक्रेन को मिलने का मतलब क्या है। एयरक्राफ्ट एक बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म होता है और आप कुछ महीनों में इसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते।
तो नेक्स्ट जो डिमांड ज़ेलेंस्की की आने वाली है कि जी आप मेरे को पायलट्स भी दीजिए इसके बाद इनको चलाने के लिए। अगर पायलट्स वेस्टर्न देशों के आएंगे, यानी नेट नेट जर्मनी या फ्रांस या अमेरिका जिसने भी ये एयरक्राफ्ट दिए हैं, और अगर उनके फाइटर पायलट्स उसको फ्लाई करेंगे, तो एक तरह से ये नेशंस डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट इन्वॉल्व हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम है जो कि शायद प्रॉब्ली ज़ेलेंस्की खेल रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहा है कि उनके पायलट्स इन्वॉल्व हों, उनके पायलट जब चलाएंगे तो ऑब्वियसली ये रशिया वर्सेज वेस्ट लड़ाई का रुख हो जाएगा। इसके अलावा ये भी सच्चाई है कि स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइल देने के बाद यूरोपीय देशों को ये मिसाइल लॉन्च करने के लिए कोई भरोसेमंद फाइटर प्लेन तो यूक्रेन को देना ही होगा। तो क्या यूक्रेन वॉर जोन में सुखोई और रफाल की भिड़ंत होगी या कोई दूसरा फाइटर प्लेन यूक्रेन को दिया जा सकता है? इस सवाल का जवाब देने में अभी भी खुलकर यूक्रेन का साथ देने का ऐलान कर चुके देशों की जुबान लड़खड़ा रही है। वही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने फिलहाल यूक्रेन को फाइटर जेट देना दूर की कौड़ी बताई। Alors le Conseil européen de ce jour a donc débuté par une rencontre historique avec le président Zelensky qui effectuait son premier déplacement à Bruxelles depuis le 24 février et de l'année dernière et nous avait fait l'amitié de se rendre à Paris hier où nous avons pu échanger avec lui. यानी अगले कुछ महीनों में शायद फाइटर प्लेन यूक्रेन को ना मिल पाए, यानी अगले कुछ महीनों तक सुखोई और रफाल की डॉग फाइट की भी कोई सूरत नहीं नजर आ रही। लेकिन यहाँ डर एक नहीं कई है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के पास मौजूद उड़ने वाली मशीनें जटिल होने के साथ साथ काफी महंगी भी हैं। वॉर जोन में नष्ट होने पर इनकी तकनीक भी रूस के पास पहुंच सकती है, लेकिन ये भी काफी हद तक संभव है कि वॉर जोन में कोई बड़ा परिवर्तन देखकर पश्चिमी देश अपना मन बदल दें और यूक्रेन को खतरनाक फाइटर प्लेन वक्त से पहले ही मिल जाए। अगर ब्रिटेन ने जैसा कहा कि वह F-35 देने पर विचार कर रहा है, तो F-35 अमेरिका द्वारा निर्मित या विश्व का सबसे आधुनिक युद्धक विमान है। इसका सामना करने की क्षमता अभी तक विश्व के किसी अन्य विमान में नहीं है। अगर यह यूक्रेन को मिलता है तो वह यूक्रेनी वायुसेना अपने भीतर से ही रूसी वायुसेना के लिए खतरा पैदा कर सकती है। S-400 किलर के रूप में अभी इसको जिसे कहे कि घोषित किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और ब्रिटेन इतनी रिस्क लेंगे, क्योंकि उससे सीधे नाटो वर्सेस रूस युद्ध हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति घूम घूम कर यूरोप से हथियार मांग रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश ज़ेलेंस्की को सर आंखों पर बिठा रहे हैं, हथियारों का तोहफा दे रहे हैं, और ये सब कुछ रूस को नाराज भी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार यूरोपीय देशों के दौरे पर है और उनसे हथियार मांग रहे हैं। जहां एक तरफ हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पारा रूस का बढ़ रहा है। और अगर हम तापमान की बात करें तो देखिए, यूक्रेन में भी इस वक्त माइनस में यहां पर टेम्परेचर है और बर्फबारी लगातार हो रही है। इसी के कारण कहीं न कहीं इसका खास असर युद्ध पर भी देखने को मिल रहा है। और आपको बताएं कि रूस की ओर से हमले तेज किए गए, जिसको हमने भी यहां पर महसूस किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में हमारी मौजूदगी है और यहां पर भी मिसाइल अटैक हुए, जिन धमाकों की आवाज हमने भी सुनी। और इसका नतीजा कीव में फिर से शुरू हुए धमाकों के तौर पर सामने आ रहा है। कीव समेत यूक्रेन के कई हिस्सों में एयर स्ट्राइक के सायरन बजते रहे। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 70 से ज्यादा मिसाइलें कीव पर दागी। इधर रूस ने यूक्रेन को नेटो के हथियार दान पर 5 बड़ी बातें कही हैं। रूस ने साफ किया है कि वो नेटो के हथियारों को निशाना बनाएगा, सप्लाई रूट पर निशाना साधेगा। रूस अपने हथियारों का प्रोडक्शन भी बढ़ाने जा रहा है। रूस ने धमकी दी है कि इस तरह ये युद्ध यूक्रेन से यूरोप तक भी पहुंच सकता है। रूस ने साफ कहा है कि इन हथियारों से यूक्रेन की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। Как известно, наш противник клянчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений, военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве модернизации тысяч. इधर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने जो घातक मिसाइलें कीव पर बरसाई हैं, उनका रास्ता कुछ नेटो देशों के एयरस्पेस के ऊपर से गुजरा है।
Українці, українки, короткий звіт. Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет в черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви, мої співчуття рідним. Яні, аб Рус ка хатра НАТО дешон ке асман ме бі дикне лага хай. Вор зон гарм хо раха хай, ор іскі гаваҳі юддхабхяс бі де рахе хай. Румания, जहां के एयरस्पेस को पार करके रूस की मिसाइलें यूक्रेन में गिरी, वहां नेटो की एक्सरसाइज की जा रही है। इस बीच रूस और यूक्रेन की तरफ से युद्ध की तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रूस ने अब तक विक्ट्री डे परेड में देखने वाले अपने सबसे घातक टैंक अर्माटा को अभ्यास के लिए उतार दिया है। इधर खतरा बढ़ता देखकर यूक्रेन अपने नागरिकों को भी युद्ध की ट्रेनिंग दे रहा है। जो भी सोफिस्टिकेटेड हथियार होते हैं, इनको आपको ऑपरेट करना सीखना और उसके ऊपर एक तरह के आपको टाइम लगता है। तो जो टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि टैंक्स हैं, अब्राहम टैंक्स हैं, लेपर्ड टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, हाई एंड मिसाइल्स हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए यूक्रेन के अंदर इतना समय नहीं है कि वो उनके सोल्जर्स को ट्रेन करें। और अगर सोल्जर्स इनके ट्रेन नहीं होंगे तो ये हथियार यूज नहीं हो सकते। जब ये हथियार यूज नहीं हो सकते तो ये बेकार खड़े हुए। तो नेक्स्ट जो है ये यही होगा कि किसी तरह से वेस्ट के जो देश हैं इस लड़ाई के अंदर किसी तरह से यूक्रेन की साइड के अंदर आके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाए, और इसका दायरा फिर अगर फैलेगा तो फिर ये पूरा यूरोप इसकी चपत में आएगा। कुल मिलाकर 24 फरवरी से पहले बड़े धमाके की आशंका बढ़ रही है। पुतिन की महासेना हमले के लिए तैयार है तो यूक्रेन भी नेटो सहयोगियों के साथ मिलकर रूस को रोकने की तैयारी कर रहा है। जिसकी तैयारी बेहतर होगी वो यूक्रेन महायुद्ध के दूसरे चैप्टर में भी भारी पड़ेगा। अगले 10 दिनों में कीव समेत यूक्रेन के तमाम इलाकों में और भी ज्यादा बमबारी की संभावना है। जहां एक तरफ यूक्रेन इससे निपटने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस लगातार यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने की तैयारी में है, और खासकर बाखमुत का इलाका जो कि पूर्वी यूक्रेन में है, और रूस ने इसे तीनों ओर से घेर लिया है। लगातार तमाम अपडेट, आखिर रूस क्या कर रहा है, यूक्रेन की ओर से क्या तैयारी है, ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, इस बर्फबारी के बीच हम आप तक एक एक खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल महायुद्ध में हमें दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।